अच्छा, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो आप लोगों ने जरा ज्यादा मजीद ध्यान से समझना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब इसी के ऊपर ही आगे जो हमारी डिस्कशन चल रही है ना, वो इसी पे बिल्ड करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें यह है कि जो आपका रदरफोर्ड है, इसने और बोर ने एक मॉडल दिया हुआ है एटम का, जिस जो कि बेसिक डेफिनेशन देता है कि ये जो है किस तरह एटम, जो जो एटम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सारा मैटर बना हुआ है एटम के ऊपर ही बना हुआ है। तो अब इसमें जो पहली चीज है वो ये होती है कि आप लोगों को ये तो मतलब शुरू से ही यार बता रहे हैं कि जो है ना इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर्ड होते हैं, और उसके साथ जो होता है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल की फॉर्म में होते हैं। उसमें ये होता है कि ये मुख्तलिफ एनर्जी डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं, और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी उस एक एनर्जी के ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अब हम उसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हमने भी देखा था कुछ देर पहले कि जो चार्ज है वो ये चार्ज आप लोगों को याद आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए कि -1.5 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि ऐसा यूनिट इसका चार्ज का कूलम है, तो ये उसमें होगा। और इसी तरह जो मैथ है, यहाँ पे हम उसका डिस्क्रीट मैथ बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको एमयू को यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैथ इसका डायरेक्ट जो है वो आपकी रेफरेंस के लिए कि कितना डिफरेंस होता है, तो उसमें वो 9.1 × 10⁻³¹ जिसके लिए हम इसको सिर्फ वैसे रिलेटिव मैथ वन कर दिया कि ये बेसिक यूनिट है, और इसकी रेस्ट मैथ एनर्जी अगर E=mc² पे कैलकुलेट करें, जो कि सी दोबारा हम बता देते हैं कि ये जो है लाइट की स्पीड है, और एम जो है मैस होगा इसका, ये जो यहाँ पे आ रहा है 9.1 × 10⁻³¹, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमने ड्राइव कर लिया था कि किस तरह ड्राइव होता है, तो उसके बराबर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको चार्ज पता होना चाहिए, माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर, मैस इसका ये है, रिलेटिव मैस अगर हम वन रखें। अब उसके अगेंस्ट हम अगला लेके आते हैं जो कि प्रोटॉन्स है। अब प्रोटॉन्स में देखें, चार्ज वही है जो 1 -1.6 है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ माइनस की वैल्यू नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका जो मैस है वो ऑलमोस्ट लाइक 1836 टाइम्स मोर ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से अब चूंकि इसका मैस ज्यादा है, तो अगर हम इसको फिर उसी फॉर्मूले में E=mc² में मल्टीप्लाई करके ड्राइव करें, तो इसकी जो एनर्जी निकलेगी वो 938 MeV है। ठीक है, अब इसके बाद जो आखिरी चीज है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में आप लोगों को पता है कि इसमें जो है वो आपकी जो चार्ज है वो जीरो है, उस पर चार्ज कोई नहीं होता। मैस इसका देखें, इसका मैस थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से, इस 1.6749 × 10⁻²⁷ और ये जो इसके रिलेटिव मैस, अगर हम इलेक्ट्रॉन को वन रखें तो ये तकरीबन इलेक्ट्रॉन से 1839 टाइम्स ज्यादा मैस वैल्यू रखता है। इसी तरह इसमें जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो इसकी है 940 MeV। तो अच्छा, उसमें अब आप लोगों ने सिर्फ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि जो इसकी न्यूट्रॉन है उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और ये MCQ भी आता है कि न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, और मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो इसको फॉल्स कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, और इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा हैवियर है प्रोटॉन से, तो इसलिए आपने इसको ये पॉइंट इसमें याद रखना है, क्योंकि अभी हम इसको देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कई दफा न्यूट्रॉन के साथ फ्यूज हो जाता है, और प्रोटॉन जो है उसमें कई दफा चार्ज आउट करके वो फिर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। जब हम इसमें जाएंगे रेडियो एक्टिविटी में, तो हम उसमें भी इसको थोड़ा सा मजीद देखेंगे। अच्छा, अब ये वही जो फोर्सेज हैं जो हमें भी देखी थी हमने, कि जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती हैं, तो उसमें आपको शायद इसकी रेंज याद होगी कि जो है ना वो 10⁻¹⁵ थी, वहां पे आपको याद होगा कि इसका इंट्रैक्शन लेवल इसके लेवल पे स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इसको आपको एक ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इस ग्राफ के अंदर आपको ये पता लगता है कि ये फोर्स जो है अट्रैक्शन में होती है, और ये एक दूसरे दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में जैसे ही डिस्टेंस 10⁻¹⁵ से कम होता है तो ये इन एक्शन आती है, और ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे ये डिस्टेंस मजीद कम होता है, जो कि 10⁻¹⁶ है, तो अब फिर ये रिपल्शन में चली जाती है। अब यानी कि फिर वो एक दूसरे से रिपेल होना शुरू हो जाते हैं, वही जो कि पहले एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए रेंज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं इस लेवल पे दरमियान में आके यहाँ पे इस रीजन पे कहीं पे ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियॉन्स के आपस में डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है, वो बेसिकली जो फंडामेंटल फोर्सेज या स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है उन्होंने ही मेनटेन किया हुआ है, और वो फोर्सेज 10⁻¹⁵ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं,
और अगर उससे ज्यादा क्लोज डिस्टेंस होने लगे, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा करीब आने लगे, तो वही फोर्स जो है वो उनको रिपेल करके एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे तो ये अप्रोक्सीमेटली इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कहीं पे जो न्यूक्लियॉन्स की यानी कि डिस्टेंस है आपस का, वो इसके दरमियान में कहीं मेंटेन रहता है। और वो जो लेवल है वो इसका मतलब इसी जो स्ट्रांग फोर्स है उसकी वजह से ही ड्राइव होता है। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन शेल्स पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जो कि बाहर की साइड पे है। उसमें भी ये देखें, ये मैं सोडियम का आपके लिए जो है ना इलेक्ट्रॉन शेल ड्रॉ करने लगा। उसके सेंट्रल में न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस में आप लोगों ने पता है कि इसमें न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, और वो एक दूसरे के साथ फंडामेंटल फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। अब आएंगे हम बाहर न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल आता है उसको हम के शेल कहते हैं। जो के शेल है उसके अंदर ये है कि ये सबसे करीब शेल होगा, और इसके के उसके बाद उससे जो दूर शेल है उसमें एल शेल है, और उसके बाद जो उससे अगला शेल है वो एम है, उसके बाद एन, इसी तरह आगे अल्फाबेटिकली ये चलेंगे। लेकिन इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उस शेल में आ सकते हैं, ये आप 2n² से ड्राइव करते हैं। और उसका तरीका क्या है कि आपका जो पहला है, अगर हम इसमें 1 नंबर डालें तो ये 2 ही निकलेगा। अगर हम इस पे 2 नंबर यानी कि हम एल शेल की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 8 निकलती है, क्योंकि अगर हम 2 करें 2² 4, और 4 × 2 जो है वो 8 हो जाता है। इसी तरह जब हम एम शेल पे आएंगे तो ये वैल्यू 18 पे चली जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 डालेंगे तो स्क्वेयर करके 9, और 2 जो है वो 18 वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए इसमें आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल की सूरत में मौजूद होते हैं, और वो शेल्स जो होते हैं उसके अंदर वो डिस्क्रीट बेसिकली एनर्जी लेवल्स हैं। वो वहां पे कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सिर्फ एक एनर्जी लेवल है, जिस एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और उसी डिस्क्रीट चूंकि एनर्जी लेवल्स हैं, तो उसमें पहले सबसे अंदर वाला जो शेल है वो के शेल है, उसके बाद एल शेल है, फिर एम शेल है। तो इस तरीके से आपने इनको याद रखना है। इसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट जो इसी तरह हम बनाएंगे, उसमें सिर्फ ये है कि जो ये शेल्स होते हैं इनके आगे फर्दर सब डिविजन होती हैं, वो सब शेल्स बन जाते हैं। और इसमें जिस तरह ये जो के शेल है वो वाहिद शेल है जिसमें कोई सब शेल नहीं होगा, जबकि जो एल शेल, एम शेल और वो वाले बाकी बाहर वाले शेल्स हैं, इनमें सब शेल होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वाले शेल में रिवॉल्व कर रहे होंगे और कुछ बाहर वाले में इसके अंदर रिवॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आएंगे जो सिंबल ऑफ एटम है, और सिंबल ऑफ एटम जो होता है वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, जबकि हम इसको न्यूक्लियर मेडिसिन में जाके बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल आप ये बताना चाहिए कि जो इसमें आपके पास एक्स वैल्यू है, और ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन भी हो सकता है, कार्बन के लिए सी होगा, ऑक्सीजन के लिए ओ होगा, और इसके साथ हम यहाँ पे नीचे इसका जी नंबर लिखते हैं। जो जी नंबर है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एटॉमिक नंबर है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन ए नॉन आयोनाइज्ड एटम के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन वो फिर बार बार पूछते हैं कि जो है ना, जो ये जी नंबर कैन बी इक्वल टू अनआयोनाइज्ड नॉन आयोनाइज्ड एटम, तो वो 2 होता है, क्योंकि जाहिर बात है प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ से ये एक्स का नंबर ही चेंज हो जाएगा, ये एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, वो कार्बन से कुछ और बन जाएगा, नाइट्रोजन बन सकता है, किसी तरह भी जा सकता है। और इसी तरह जो इसका दूसरा चीज है वो मैस नंबर है। मैस नंबर जो होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है, जिस तरह की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सोडियम की, तो सोडियम के अंदर जो आपका एटॉमिक नंबर है या जो प्रोटॉन का नंबर है वो 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर नॉन आयोनाइज्ड एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो 11 ही होंगे, और उसके बाद जो इसका मास नंबर है वो 23 है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसके मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन्स 12 होंगे, क्योंकि 11 ये है, और इसमें 12 अगर जमा करें तो वो 23 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको ये दो नंबर्स देख के ये आइडिया हो जाता है। इसमें बल्कि आप ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो इसलिए ये सिंपल, और इसके अंदर ये होता है कि ये चीज जो होती है ये मेटल इसके साथ ही रहेगी। अगर ये चेंज होगा 11 नंबर तो साथ ही एनए भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये वैल्यू चेंजेबल होती है, डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन जो इसके अंदर आपके प्रोटॉन्स के वो न्यूट्रॉन्स के नंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो अल्टरनेट करते रहते हैं, ठीक है। यहां तक अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना एटम का, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया।